Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Gerald Jonnet, who is part of structuralism. And in this lecture, I am talking about various types of concepts given by him as well as famous books written by him. So let's start. Gerald Jonnet, he has written two books. First is Narrative Discourse, second is Structuralism and Literary Criticism. Then he has given concept of transtextuality. Transtextuality का मतलब होता है how one text relates to another text, कि एक text जो है दूसरे text के साथ कैसे relate करता है. Then he has talked about five elements of transtextuality. इन्होंने बताया है कि जो transtextuality है उसके पांच elements है. पहला जो है इंटरटेक्सुअलिटी. इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब है कि किसी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करना, उसमें जो है सिमिलैरिटीज़ बताना, या उस टेक्स्ट के एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ जो है डिफरेंस बताना, बाय कोटेशंस यूज़ करके, एल्यूजन्स यूज़ करके, यस शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू टेक्स्ट. मतलब जो है कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं हम इंटरटेक्सुअलिटी बताते समय. एल्यूजन्स का मतलब, एल्यूजन्स का मतलब ये होता है कि मतलब डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ को बताना. एल्यूजन्स का मतलब ये होता है कि मतलब डायरेक्टली ना बताकर इनडायरेक्टली बताना. एवरी बुक कंटेन्स सर्टेन कोटेशन और एल्यूजन फ्रॉम अनदर बुक. तो वो बताते हैं कि जो हर बुक के अंदर जो है कोटेशन होती है या फिर एल्यूजन होती है जो कि किसी दूसरी बुक से ली हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरटेक्सुअलिटी. देन मैं आपको बताना चाहूँगी पैराटेक्सुअलिटी. पैराटेक्सुअलिटी ये होती मतलब बताती है, रीडर को गाइड करती है कि हमें टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए पढ़ने से. इट मार्क्स द एलिमेंट्स इन विच एंट्रेंस ऑफ द टेक्स्ट. इसमें ये बताते हैं इट मार्क्स द एलिमेंट्स इन विच एंट्रेंस ऑफ द टेक्स्ट which help to direct and control reception of the text by the readers. मतलब ये हमें पहले ही जो है टेक्स्ट पढ़ने के बिगनिंग में हमें उन एलिमेंट्स से फेमिलियर करवा देती है जो हमें गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है कि एक रीडर को जो है क्या क्या चीज़ों को उस टेक्स्ट के अंदर पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए. जैसे कि एलिमेंट्स जो हो गए, एपिग्राफ्स हो गया. एपिग्राफ्स के अंदर जो है छोटे छोटे हमें मतलब इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ दी जाती है. प्रीफेस हो गए और एड्रेस टू द रीडर इन द बिगनिंग. सो इट इज़ बाय रीडिंग दीज थिंग्स वी अंडरस्टैंड व्हेन द टेक्स्ट वॉज पब्लिश्ड. अब इन सब चीज़ों को मतलब रीड करके हमें पता चलता है कि एक जो टेक्स्ट है वो कब पब्लिश हुआ था और किसने उसे पब्लिश किया और उस टेक्स्ट को पब्लिश करने का क्या पर्पस रहा होगा. हाउ इट शुड और शुड नॉट बी रेड, कि इस टेक्स्ट को हमें कैसे रीड करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए. तो इसके अंदर जो है पैराटेक्सुअलिटी के अंदर दो टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं. पहला होता है पेरिटेक्स्ट. पेरिटेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट के बिगनिंग में हमें दिख जाता है. ये एज इन अ फॉर्म ऑफ टाइटल होता है, चैप्टर होते हैं, प्रीफेस होते हैं, कैप्शंस होते हैं, नोट्स होते हैं. और जो एपिटेक्स्ट होता है, एपिटेक्स्ट वो एलिमेंट्स होते हैं जो टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. वो ये आउटसाइड एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंटरव्यूज़ मतलब जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं. मतलब इंटरव्यूज़ वो होते हैं जो एक टेक्स्ट के बारे में जो लोग अपनी पढ़ने के बाद अपनी ओपिनियंस देते हैं उन्हें इंटरव्यूज़ कहते हैं. रिव्यूज़ देते हैं, एड्रेस मतलब क्रिटिक्स जो है अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज उस टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करने के बाद देते हैं, और प्राइवेट लेटर्स दिए जाते हैं. तो ये सारा क्या हो गया, एपिटेक्स्ट हो गया. सो देन इट ऑल्सो हेल्प्स रीडर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर. ये जो है रीडर को हेल्प करती है पैराटेक्सुअलिटी, कि एक टेक्स्ट को कैसे अच्छी तरह से समझना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन अ बेटर वे. थर्ड इज मेटाटेक्सुअलिटी. सो मेटाटेक्सुअलिटी क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्सुअलिटी इन विच वन टेक्स्ट मेक्स क्रिटिकल कमेंट्री ऑन अनदर टेक्स्ट. कि जो एक टेक्स्ट है वो दूसरे टेक्स्ट के बारे में क्रिटिकल कमेंट्स दे रहा होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जेन आयर की शार्लेट ब्रॉन्ट है. सो वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हो गया. उस टेक्स्ट के अंदर जब
जब हम पढ़ते हैं तो पीछे जो मतलब क्रिटिकल कमेंट्री दी होती है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, तो ये हो गया मेटा टेक्सचुअलिटी, यानी एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट के बारे में क्रिटिकल कमेंट जब होते हैं तो उसे मेटा टेक्सचुअलिटी बोलते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी हाइपर टेक्सचुअलिटी, व्हेन वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई और एक्सटेंड द ओरिजिनल टेक्स्ट। मतलब हाइपर टेक्सचुअलिटी का मतलब है कि एक ओरिजिनल टेक्स्ट को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं या उसे एक्सटेंड करके यानी उसका एक सेपरेट पार्ट बना सकते हैं तो उसे कहते हैं हाइपर टेक्सचुअलिटी। मतलब हाइपर टेक्सचुअलिटी यानी हम सीक्वल बना देना या फिर एक टेक्स्ट का जो है ट्रांसलेशन कर देना और पैरडी बना देना तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइपर टेक्सचुअलिटी। अब मैं बताना चाहूँगी आर्किटेक्चुअलिटी। आर्किटेक्चुअलिटी हमें ये बताती है कि जो एक टेक्स्ट है वो एक पर्टिकुलर जॉनरा का पार्ट कैसे बना। इट टेल्स हाउ टेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ जॉनरा विच कैन बी आइडेंट। मतलब हम जो है आर्किटेक्चुअलिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तब हम लोग पता है उसके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर जॉनरा का पार्ट बना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल फ्रैंकेस्टीन जो नॉवल है जो मैरी शैली ने लिखी है वो एक तरह का आर्किटेक्चुरल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और फिर वो जो है गॉथिक जॉनरा का पार्ट कैसे बना, यानी मतलब कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे ना जिससे उसे मतलब बताया गया कि ये गॉथिक जॉनरा का पार्ट है, यानी इसके अंदर कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे कि ये जो नॉवल है फ्रैंकेस्टीन जो नॉवल है वो किसी वीरान से कैसल में सेट हुई थी और उस नॉवल को पढ़ते समय जो है मतलब रीडर्स को ऐसा फील हुआ कि ये एटमॉस्फेयर जो है वहाँ मतलब फ्रैंकेस्टीन जिस टाइम में सेट हुई हुई है वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है पूरा मिस्ट्री है, सस्पेंस है और मतलब पुरानी कोई प्रोफेसी जो है उस कैसल या फिर वहाँ के इनहेबिटेंट्स के साथ जो है मतलब कुछ कहावतें हुई होगी जो मतलब कि इस कैस्टल के अंदर तुम्हें नहीं आना, यहाँ पे मतलब भूतों का वास है। मतलब ये सब पढ़कर हमें पता चलता है कि ये जो फ्रैंकेस्टीन नॉवल जो है एक पर्टिकुलर गॉथिक जॉनरा का पार्ट बना। ओमन्स भी है, सुपर नेचुरल पावर का भी यूज़ हुआ हुआ है। सो इन सब एलिमेंट्स को इन सब करेक्टरिस्टिक्स को पढ़कर हमें पता चला कि ये जो फ्रैंकेस्टीन नॉवल है ये गॉथिक जॉनरा से का पार्ट है। सो आर्किटेक्चुअलिटी हमें बताती है कि एक टेक्स्ट जो है एक पर्टिकुलर जॉनरा का पार्ट कैसे बना, जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स।